भाषा आपकी अच्छी होनी चाहिए। हिंदी बोलते हैं तो ठीक से हिंदी बोलें, अंग्रेजी बोलते हैं तो अच्छी अंग्रेजी बोलें, तमिल में करते हैं, तेलुगु में करते हैं, भाषा इम्पोर्टेंट है। किस समाज से आते हैं ये भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। जाति धर्म विशेष का सिविल सर्विस की परीक्षा में कहीं भी बाधा नहीं। मुख्य बात जो समझाने की कोशिश की है, आप मेहनत करें, मेहनत कैसे करें उसके तरीके भी मैं इनको समझाने की कोशिश करूँ। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो ज़्यादा मेहनती हैं, यदि वो कोशिश करें अपने मन से इन भावना निकालें। सिविल सर्विसेज की तैयारियों को लेकर प्रतिभागियों में सालों से यह गलतफहमी बनी हुई है कि कामयाबी के लिए अच्छी अंग्रेजी का माध्यम होना या परिवेश का होना बहुत ज़रूरी है, जबकि ऐसा नहीं है। सच्चाई यह है कि यूपीएससी में सफलता के लिए भाषा एवं परिवेश कभी बाधक नहीं बनती। आज भी यूपीएससी में कामयाब होने वाले ज़्यादातर प्रतिभागी ग्रामीण परिवेश के होते हैं। इसी प्रकार भाषा ज्ञान प्रकट करने का सिर्फ माध्यम है, ना कि उसका मापन। ये बातें यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी अग्रवाल ने सिविल सेवाओं का वर्तमान परिदृश्य, चुनौतियां एवं संभावनाएं विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में कही। यह सेमिनार जयपुर के मानसरोवर मोहल्ले में स्थित अभियान 40 IAS परिसर में आयोजित किया गया। सेमिनार में यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष ने छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं अभिभावकों को प्रशासनिक सेवाओं की तैयारियों को लेकर अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस मौके पर बिहार कैडर के 2008 बैच के वरिष्ठ IAS पदाधिकारी गिरिवर दयाल सिंह ने कहा कि इस दुनिया में सिर्फ मुर्दे को जिंदा नहीं किया जा सकता है, बाकी कुछ भी असंभव नहीं है। यदि पूरी मेहनत और लगन से की जाए तो सफलता निश्चित रूप से आपकी कदम चूमेगी। उन्होंने कहा कि सभी के दिमाग एक जैसे ही होते हैं, आपकी सफलता बस इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने समय का उपयोग किस तरह से करते हैं। गौतम बुद्धा ग्रामीण विकास फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह संस्थापक विलास कुमार ने संस्था के विभिन्न क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया। उन्होंने घोषणा की कि जयपुर में बहुत जल्द ही सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाने वाले ख्याति प्राप्त कोचिंग के शिक्षकों, एक्सपर्टों, यूपीएससी के टॉपर रहे IAS पदाधिकारियों का महासमागम किया जाएगा, जो प्रतिभागियों के लिए एक विशेष अवसर होगा। GBRDF द्वारा पिछले 10 सालों से शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, मानवाधिकार जैसे क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को समुचित तैयारी करवाने एवं मार्गदर्शन के लिए अभियान 40 IAS की स्थापना की गई है, जहां पर ख्याति प्राप्त टीचरों द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। कुतुब मेल के लिए आशा पटेल, जयपुर। डीपी अग्रवाल साहब यहाँ पर आए हैं, यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और यहाँ इसके मान के माध्यम से जो हमारे बच्चे हैं वो अपने जो विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाएँ हैं उनका समाधान ये कर रहे हैं। ये हम लोग के लिए, सभी के लिए गर्व का विषय है कि जयपुर शहर में पहली बार सर यहाँ पर आए हैं। और चूँकि आप सब लोग जानते हैं कि UPSC का जो हम लोग के सभी का जो लक्ष्य होता है तो उसके इतने बड़े प्रणेता यहाँ पर हैं। निश्चित रूप से आज हमारे बच्चे जो हैं वो इससे लाभ उठाएंगे और मेरा मानना है कि उत्साह के साथ अगर तैयारी की जाए, पूर्ण लगन के साथ तैयारी की जाए तो निश्चित रूप सफलता मिलती है और सर के आने से हम लोग का मोटिवेशन बढ़ेगा, हमारे विद्यार्थियों का मोटिवेशन बढ़ेगा और निश्चित रूप से हम सभी लोग सफल होंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।